सो हे गाइस, न्यूज़ ब्रदर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बिग बॉस के बारे में, और बिग बॉस से रिलेटेड मेरे पास काफी सारे न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बिग बॉस के बारे में, और बिग बॉस का बिल्कुल भी लास्ट वीक चल रहा है इस वक्त। कितना लास्ट वीक चल रहा है? इस लास्ट वीक में बिल्कुल भी सभी लोग नॉमिनेटेड है। इनमें से तीन कंटेस्टेंट ऐसे होने वाले हैं जो बिल्कुल भी टॉप थ्री में गिने जाएंगे, लेकिन इस वक्त सभी लोग नॉमिनेटेड है, वोटिंग चालू है इस वक्त। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते सलमान भाई की वीकेंड के वॉर पे एंट्री लेते हैं, और वीकेंड के वॉर पे काफी सारे लोग को घेरने की कोशिश किए थे, लेकिन वहीं पे बिल्कुल भी उनके फैमिली मेंबर आए हुए थे। उनके फैमिली मेंबर से बिल्कुल भी बात करते हैं, और होता क्या है कि विकी जैन की भाभी आई हुई होती हैं और ईशा मालविया के फादर आए हुए होते हैं, और वहीं पे बिल्कुल भी अंकिता लोखंडे की मॉम भी आई हुई होती है। लेकिन होता क्या है कि इसमें कई सारे सवाल भी उठे हैं उनके ऊपर। ऐसा इसलिए बिग बॉस में जब वो एंट्री ली थी, जबकि सभी के फैमिली मेंबर एंट्री ली थी, तो जब वो बाहर गए थे उस शो के बाद, तो काफी सारे मीडिया वाले बहुत सारे सवाल कर रहे थे और सभी लोग को जवाब देने पड़ते हैं। और वहीं पे बिल्कुल भी विकी जैन की जो मॉम होती हैं वो बिल्कुल भी मीडिया में आती हैं और वहां पे एक स्टेटमेंट दे देती हैं, और वो यही बोलती हैं कि वो गेम में अगर हैं तो उनको गलत तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। जो कि विकी जैन इस चीज को सुनते हैं और अंकिता लोखंडे सुनती हैं तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और वहीं पे सलमान भाई विकी जैन की जो भाभी रहती हैं उनको बहुत ही समझाने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि विकी जैन की जो भाभी हैं वो बिल्कुल भी अपनी सासू माँ के बारे में बताते हैं कुछ चीजें, लेकिन वहाँ पे डिनाई कर देते हैं कि वो बिल्कुल भी जो स्टेटमेंट दिए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट दिए हैं, लेकिन वहाँ पे गलत हो जाते हैं बिल्कुल भी अंकिता लोखंडे और विकी जैन से। और यहाँ तक कि बहुत सारी बातें बोले वीकेंड के वॉर पे जो बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट होते, तो हो सकता है आगे चल के कुछ डिफरेंट चीजें देखने को मिल सकती है। और बात करते हैं इस वीक जो नॉमिनेटेड हुए हैं, तो उसके पिछले वीक जो नॉमिनेटेड हुए थे उनमें से दो कंटेस्टेंट इस वक्त बाहर हो चुके हैं। पहले नंबर पे आते हैं आयशा खान और दूसरे नंबर पे हैं ईशा मालविया, जो कि ईशा मालविया भी इस घर से एलिमिनेट हो चुकी हैं, जो कि इस बार बहुत ही टफ गेम होने वाला है। और होता क्या है कि बिल्कुल भी जब ईशा मालविया बाहर जाती तो अभिषेक बहुत ही ज्यादा दुख होता है इस बात को लेकर, क्योंकि ईशा मालविया यहां से बिल्कुल भी एविक्ट होती। और वहीं पे एक और इंसिडेंट देखने को यह मिलता है कि बिल्कुल भी 28 जनवरी को बिल्कुल भी फिनाले है, जो कि इस फिनाले में कोई ना कोई एक जीत हासिल करेगा, और ठीक उसी दिन बिल्कुल भी मुनव्वर फारूकी का भी जन्मदिन है, जो कि इस वक्त ये फोटोज बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि उनका जन्मदिन का तारीख का है। कह सकते हो अब तक की बहुत ही बड़ा अचीव है या फिर कोई प्लानिंग है, तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अंकित बयान पुरिया के बारे में। होता क्या है कि उनके जो करीबी रहते हैं वो बिल्कुल भी लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीम के दौरान बिल्कुल भी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई जानकारी दे रहे थे, लेकिन होता क्या है कि वो बिल्कुल भी सडनली से बिल्कुल भी हैक हो जाता है, और वो इस हैक पे क्या कहते हैं एक बार जरूर से सुनिए। अपना भी सारा ने तो भाई अपना ये दो घंटे पहला चैनल हैक हो गया था यूट्यूब का, उसको कोई लाइव स्ट्रीम करना था कोई क्रिप्टो की, तो चैनल हैक हो गया ना, मतलब कुछ जो मेरे खास थे बहुत बढ़िया, उनने अपने रंग दिखाए बढ़िया वाले, मैंने बहुत 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 धन्यवाद करूंगा उन भाई का मैं, तुमने भाई अपने असली रंग दिखाई, अख्तम कितना प्यार करो मेरे से। अरे जो मतलब जो चैनल हैक हुआ है उसमें की गलती थी जो भी कुछ था वो मैं आपने एक प्रॉपर वीडियो बनाकर दिखाऊंगा यूट्यूब पे गेरूंगा कल एक वीडियो पूरी फुल इन्फॉर्मेशन की चीज़ ना करनी चाहिए भाई, यूट्यूब चैनल हैक ना हो जिस तक बच्चा जा सके। बाकी फिलहाल तो उन्हें बेरा पाट गया है, अरे बेरा तो बहुत कुछ चीज़ पाट गया भाई आज। बाकी भाई अपना कल राम जी आन ला गए हैं, उड़ जाने का मौका तो ना मिले पर अड़े आज उड़ लेंगे हम, तो जिम बुलाओगा जब उड़े भी चले जाएंगे। अरे भाई मैं तुम्हें ये कहूंगा अपना आस्ते खेलते रहे यारो भाई। वो यही बताते हैं कि जो चैनल हैक हुआ रहता है उनकी क्लियरिटी बिल्कुल भी वो अगली वीडियो में बताएंगे कि आखिर रीजन क्या था हैक होने का और हैक से बिल्कुल भी क्या प्रॉब्लम हो गई है, वो बिल्कुल भी अगले वीडियो में रिप्लाई करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यूके जेसन राइडर के बारे में। यूके जेसन राइडर जब से बिग बॉस से बाहर आए हुए हैं तो काफी सारे अचीवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे वो बिल्कुल भी लेम्बोर्गिनी खरीद चुके हैं, और वहीं होता क्या है कि वो बिल्कुल भी पुलिस के नजर में आते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर क्या कहते हैं आप जरूर से सुनिए। लेकिन होता क्या है कि वहीं पे यूके जेसन राइडर बहुत ही तेज से गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही तेज से गाड़ी चलाते हैं तो वो चीज कहीं रिकॉर्ड हो जाती है, और जिसके कारण से ऑफिसर बिल्कुल भी समझा रहे थे। लेकिन पहले इस वीडियो को देखें।
तो मैसेज आया ऊपर से कंट्रोल रूम से, बहुत स्पीड में जा रहे हैं आप। नहीं नहीं सर हमारे पास रिकॉर्ड। तो भाई सुपर कार है और वो तेज तो भागेगी ही, तो उसके लिए बिल्कुल भी कंट्रोल करने के लिए यूके जीरो सन राइडर को समझाने की कोशिश किए थे। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में, बात करते हैं एक गुड़गांव के वीडियो के बारे में। होता क्या है कि बिल्कुल भी एक कैब ड्राइवर रहता है, लेकिन होता क्या है कि सुनसान एरिया में बिल्कुल भी वहां पहुंचता है। ये देखो भाई ये होता है गुड़गांव की नगरों में, उतरेगा भाई। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी एक कपल बिल्कुल भी उनसे झगड़े करने लग जाते हैं, जो कि गाड़ी में घुसकर मारता रहता है। लेकिन ऐसे वीडियो जो कि देख सकते हो आप, ये नंबर नोट कर लो और ये बंदे को देखो, ये देखो ये देखो ये हो रहा है। जो कि ये बिल्कुल भी, यहाँ पे दो लोग थे जो कि बिल्कुल भी एक कपल थे, जो कि उसमें का जो बंदा रहता है वो गाड़ी में घुस जाता है, जो कि झगड़े अंदर बहुत ही ज्यादा फाइट देखने को मिलते हैं। जो सामने वाला जो बंदा फाइट कर रहा था उसके बिल्कुल भी वाइफ रहता है शायद से, तो वो बिल्कुल भी आने के बाद बाहर यही बोलते कि क्या कर रहे हो आप, यानी कि जो रिकॉर्ड कर रहे थे उससे भी झगड़े करने लग गए थे। तोड़ते हैं अगले अपडेट के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी बिल्कुल भी असम गए हुए थे, जो कि भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त फिलहाल चल ही रहा है। लेकिन होता क्या है कि असम में बिल्कुल भी एक शॉप पे बिल्कुल भी रुके हुए होते हैं, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलता है। लेकिन थोड़ी सी वहां पे एक एक्सीडेंट देखने को मिलता है कि वहां पे बिल्कुल भी कई सारे लोग आ जाते हैं, बिल्कुल भी राहुल गांधी को घेर लेते हैं और वो यही बोलते हैं कि अपना बिल्कुल भी ये पोस्टर लेके बिल्कुल भी जाओ, जो कि आप पॉजिटिविटी दिखा रहे हो उसे देख के किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप यहां से जाओ, आपको यहां नहीं रहना चाहिए, यहां पे आपको शो नहीं करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में यह भी देखने को मिला है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद से वो बिल्कुल भी शो कर रहे थे, वो चीजें बिल्कुल भी वहाँ के लोगों को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वहाँ पे बिल्कुल भी राहुल गांधी को हटाया गया था। तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल भी रहा है, तो इस बारे में आप सभी का क्या कहना है, क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ब्रिटेन के दो बिल्कुल भी युद्ध तोप के बारे में, जो कि इस वक्त बहरीन के तट पे आ चुका है, यानी कि लगभग दो। और वहीं पे होता क्या है कि बिल्कुल भी रॉयल नेवी का जो माइनस रहते हैं चिड़ियाफोल्ड के दौरान बिल्कुल भी एक वॉर होता है, और वहीं पे बिल्कुल भी ये चीजें देखने को मिलती है कि वहां से ब्रिटेन से होते हुए और बिल्कुल भी पहुंच जाता है बहरीन के तट पे। और होता क्या है वहां पे लोग आते हैं पूछताछ करते हैं और काफी सारे कागजात का जो उनका काम रहता है वो होते रहते हैं, तो ये जो कि वीडियो वायरल भी रहती है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं शोएब मलिक के बारे में। शोएब मलिक की हाल ही में बिल्कुल भी शादी हो चुकी है बिल्कुल भी सना जावेद के साथ, लेकिन होता क्या है कि ये उनकी अब तक की तीसरी शादी हुई होती है, और ये तीसरी शादी में जो उनकी दूसरी पत्नी रहती है जिनका नाम बिल्कुल भी सानिया मिर्जा रहता है, और वो सानिया मिर्जा होता क्या है कि इस चीज को बिल्कुल भी पोस्ट किए होते हैं और इस पोस्ट में बिल्कुल भी ये कहने की कोशिश करते हैं कि ना ही कोई झगड़ा की, ना कोई बयानबाजी की, ना ही कोई ऐसे एलिगेशन लगाए, किसी भी चीज के बारे में सानिया मिर्जा नहीं बोली है और सिर्फ कुछ बोली है तो बस ये बोली है कि आपकी लाइफ बिल्कुल भी सही सलामत रहे और आप अपनी जिंदगी में कुछ तरक्की करते रहो, कुछ इस तरीके की बातें हैं जो कि उन्होंने ये बात बोली है। तो इस बारे में आप सभी का क्या कहना है, क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर से बताइए। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं राम मंदिर के बारे में, जो कि आज के दिन यानी कि 22 जनवरी को बिल्कुल भी उद्घाटन होने वाला है और इस दिन बहुत सारे सेलिब्रिटी भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे कैटरीना कैफ और विकी कौशल भी देखने को मिले हैं और यहां तक कि कह सकते हो रणवीर कपूर भी देखने को मिले हैं, रोहित शेट्टी देखने को मिले हैं, ऐसे कई सारे एक्टर भी देखने को मिले हैं। थोड़ी सी एक क्लिप को जरूर जो कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो कि इस वक्त अयोध्या जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में, आप सभी को पता होगा कि चैनल इस वक्त हमारा नया है और काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते, तो सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ इस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी और इससे वीडियो की रीच भी बढ़ेगी। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो।